दोस्तों आजकल बहुत से लोग एक नई बीमारी का शिकार बन रहे हैं जो कि है हियरिंग लॉस। और कमाल की बात यह है कि ये प्रॉब्लम नीचे ही नीचे धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जिसका एकदम से पता चलता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल लाउड वॉइस की वजह से इनर ईयर की छोटी छोटी कोशिकाएं, जिन्हें हेयर सेल्स भी बोलते हैं, वो डैमेज होती चली जाती है। और आपको बता दूं कि शोर से होने वाले हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है, ये परमानेंट प्रॉब्लम है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि इंसानों के इनर ईयर के हेयर सेल्स कभी भी रीजनरेट नहीं होते। और इस प्रॉब्लम का तब पता चलता है जब तक मोस्टली हेयर सेल्स डैमेज हो चुके होते हैं। तो अपने दिन से 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें आपको बताऊंगा कॉज ऑफ हियरिंग लॉस, उनके सॉल्यूशंस, ईयरबड्स और हेडफोन्स में से कौन से बेटर हैं, कैसे उन्हें यूज करना है। चलिए जानते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात ये है कि साउंड को डेसिबल्स में मापा जाता है और हमारे कानों के लिए 85 डेसिबल तक सुनना सेफ है। उसके जितना ऊपर जाएंगे कानों के लिए खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं तो जब दो लोग किसी की चुगली करते हैं या फिर फुसफुसा के बात करते हैं तो वो आवाज अप्रोक्स 20 डेसिबल की होती है, जबकि किसी रॉकेट लॉन्च या फिर बंदूक से निकली गोली की आवाज करीब 120 से 30 डेसिबल तक पहुंच जाती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है और हमारे कानों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब अगर इसे कंपेयर करें मोबाइल से, तो जब हम ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक की वॉल्यूम को फुल कर देते हैं तो वो लेवल करीब 110 डेसिबल तक पहुंच जाता है। अब इसके रिजल्ट्स कैसे होंगे उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। और इस तरह का लाउड म्यूजिक अगर आप हर रोज ज्यादा देर तक सुनेंगे तो इसका आपके कानों पे बहुत बुरा असर होगा, जिससे आपके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हियरिंग लॉस का कोई भी इलाज नहीं है। इसके अलावा ज्यादा टाइट ईयरफोन्स यूज करने से हमारा इनर ईयर बाहरी हवा के कांटेक्ट में नहीं रहता, जिसकी वजह से कानों में इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। साथ ही टाइट ईयरफोन से हमारे कानों में भी दर्द हो सकता है। इसी के साथ अगर आप किसी और के ईयरफोन्स यूज करते हैं और उनके कानों में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उनको कोई बीमारी है, तो वो आपको भी लग सकती है। देखो हियरिंग लॉस के अलग अलग केस सामने आते जा रहे हैं। किसी को सडनली हियरिंग लॉस हो जाता है तो किसी को स्लो, किसी को वॉइस फ्लक्चुएटिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि कभी तेज आवाज सुनाई देती है तो कभी धीमे आवाज सुनाई देती है, जबकि किसी किसी को हर टाइम एक्स्ट्रा नॉइज सुनाई देती रहती है। इसके होने का एक बिगिनिंग साइन ये बताया जाता है कि आपको मक्खी के भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई देगी, वो भी बिना किसी मतलब के। और कई बार ये प्रॉब्लम हियरिंग लॉस से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अब इससे बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि लाउड म्यूजिक फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अगर आप ज्यादा तेज आवाज में लाइक फुल वॉल्यूम में 4 से 5 घंटे या फिर इससे ज्यादा गाने सुनते हैं तो ये नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। और मान लीजिए अगर आपको लंबे समय तक गाने सुनने ही हैं तो अपने मोबाइल की वॉल्यूम को 60% तक ही रखें। इससे साउंड लेवल 75-80% तक ही रहेगा, जो कि सेफ है। मतलब कि अगर आपके मोबाइल में जो वॉल्यूम बार है वो 10 स्टेप्स में बढ़ता और घटता है तो उसको 6 तक ही रखें, यानी कि 60% तक। अगला पॉइंट ये है कि बेस्ट स्टीरियो इफेक्ट्स के तरीके अपनाएं, जिससे कि ज्यादा तेज आवाज ना करनी पड़े और राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट ईयर में ही लगाएं। इसके अलावा इक्विलाइजर्स को सेट रखें और बेस्ट क्वालिटी का म्यूजिक ही सुनें, ताकि वोकल्स आपको क्लियर सुनाई दें और ज्यादा तेज आवाज करने की जरूरत ना पड़े। कुछ लोग एक और गलती करते हैं कि रात को ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते ही सो जाते हैं और सारी रात कानों में वो गाने बजते रहते हैं। तो इसके लिए आप म्यूजिक स्टॉप टाइमर का यूज करें। आईफोन्स और आईपैड्स में तो ऑलरेडी ये फीचर आता है, एंड्रॉइड यूजर किसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि हेडफोन्स और ईयरबड्स में से लाइक ईयरफोन्स, वैसे तो सभी को ईयरफोन्स ही कह दिया जाता है, तो इनमें से किसका यूज करना ज्यादा बेटर है? देखो जो ईयरबड्स होते हैं वो बाहर की नॉइज को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से हमें आवाज को और तेज करना पड़ता है। और तेज आवाज से जो भी नुकसान होते हैं उनके बारे में तो आप जान ही चुके हैं। अब इस केस में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो नॉइज कैंसलेशन वाले ईयरबड्स का ही यूज करें, जो कि बाहर की नॉइज को कम कर देते हैं, जिससे कि वॉल्यूम कम रखने पर भी हमको सही साउंड क्वालिटी का मजा आता है। लाइक जो एप्पल के लेटेस्ट ईयरबड्स हैं या फिर किसी भी दूसरी कंपनी के ईयरबड्स में अगर आपको नॉइज कैंसलेशन का फीचर मिलता है तो आप उन्हीं को परचेज करें। इसके अलावा दोस्तों ईयरबड्स हेडफोन्स की बजाय कानों में ज्यादा अंदर तक फिट हो जाते हैं, तो अगर हम मोबाइल की वॉल्यूम का सेम लेवल भी रखें तो ईयरबड्स लगाने पर हमको हेडफोन्स की बजाय 9 डेसिबल ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है। मतलब कि उतनी ही आवाज रखने पर ईयरबड्स में हमको 9 डेसिबल ज्यादा तेज सुनाई देगी, इसका मतलब वो नुकसान भी थोड़ा ज्यादा करेगी। और हाँ, साउंड क्वालिटी की अगर बात करें, स्पेशली जो बेस होता है वो हमेशा हेडफोन्स में ज्यादा होता है। साथ ही हेडफोन्स पहनने में कंफर्ट होते हैं, जिससे कानों में दर्द भी नहीं होता। आपने देखा होगा कि म्यूजिक कंपोजर्स वगैरह हमेशा हेडफोन्स का ही यूज करते हैं। जिन लोगों को अभी तक मेरी बात मजाक लग रही है वो इस बात को सोच सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कुचले जाने वाले लोगों ने मोबाइल में कितनी तेज आवाज कर रखी होगी कि उनको ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो यार अपने शरीर की इतनी अहम इंद्रिय
बेहतरीनों में से एक यानी कि सुनने की शक्ति, अपने कानों का ध्यान रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।